सभी को, आज हम बनाएंगे दूध वाली सेवई। तो हमने क्या लिया है दूध वाली सेवई बनाने के लिए, ये सेवई है, ये चीनी ली है, ये थोड़े ड्राई फ्रूट हैं, काजू बादाम है, किशमिश है, थोड़ा गुला है, छोटे छोटे पीस में हमने सारे ड्राई फ्रूट को कट कर लिया है। ये लिए हैं 4 से 5 छोटी इलायची, ये साथ में थोड़ी केसर। तो चलिए अब हम बनाते हैं इसको। तो गैस पे हमने कढ़ाई रख ली है, गैस को ऑन कर लिया है हमने। इसमें डालेंगे घी, 1 चम्मच घी डालेंगे हम इसमें। घी को थोड़ा गर्म होने देते हैं, यानी मेल्ट। घी हमारा गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे ये सेवई, चलाते हुए भूनेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम कर लेंगे, कंटिन्यू चलाने के रहने हैं हमें, इसे छोटा नहीं है। चलाते हुए भूनेंगे हम इसको, हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे इनको। A few minutes later, देखिए ब्राउन होने लगी हमारी सेवई। लगा सिर्फ 2 ही मिनट लगे हमें इनमें भूनने में। गैस को बंद करेंगे। तो यहाँ पे इन सभी को हम इस कढ़ाई से निकाल लेंगे बाहर। तो यहाँ पे हमने गैस फिर से ऑन की है, भगोनी रख ली है हमने, भगोनी में थोड़ा सा पानी डाला है। कई बार क्या होता है दूध लग जाता है बर्तन में के पैंदे में, तो हमें डालेंगे दूध। तो यहाँ लिया है हमने 2 कप दूध ले लिया है, इनको डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने फाइनली 3 कप दूध ले लिया है। थोड़ा ये ठंडा है, फ्रिज से निकाला था मैंने, थोड़ा इसको गरम करेंगे अभी। तो दूध हमारा गरम हो गया है, उबाल आने लगा है, गैस को सिम करेंगे। यहाँ पे डालेंगे सेवई, तो सेवई को हमें छोड़ना नहीं है, चलाते रहना है। कई बार क्या होता है कि छोड़ देते हैं हम तो फट जाता है दूध, तो हम चलाते रहेंगे, चलाते हुए ही पकाना है हमें, बनानी है। देखिए हमारी सेवई उबलने लगी है, दूध बिल्कुल भी नहीं फटा है। तो इसी तरह हमें जब तक दूध उबल नहीं जाए, अच्छे से सेवई का पता लगे कि पकने लगी है, लगने लगे कि सेवई पकने लगी है, तब तक हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। देखिए बिल्कुल भी नहीं फटा है दूध हमारा, इसी तरह बनाएंगे। तो चलाते रहना है इसे हमें। यहीं पे डालेंगे चीनी उबलते हुए में, चीनी भी चलाते हुए मिक्स करनी है, चीनी से भी कई बार दूध फट जाता है। सेवई में दूध चीनी डालते हैं तो कई बार फट जाता है, फटने का डर रहता है, तो चलाते हुए मिक्स करनी है हमें ये। छोड़ना नहीं है जब तक तो दोबारा से उबाल नहीं आ जाए इसमें भी, बराबर चलाते रहना है इसे। गैस का फ्लेम हमने लो कर रखा था, मीडियम कर लेंगे।
लेकिन ध्यान रखना है जैसे उबाल आए तो तुरंत फ्लेम को लो कर लेना है, वरना दूध हमारा निकल जाएगा। चलाते हुए पकाना है हमें इसे। Few minutes later. हमारी दोबारा से भी उबाल आ गया है सेवई में। इसी तरह चीनी डालने के बाद बिल्कुल नहीं छोड़े इसको, गैस को लो करेंगे, गैस की फ्लेम को इसी तरह चलाते हुए बनाएंगे हमें। तो यहीं पे अब डालेंगे हम ड्राई फ्रूट, ये हमने धुल लिए थे, धुल के ही डालें। कई बार क्या होता है ये पैकिंग में आती है लेकिन डस्टिंग तो फिर भी होती है, तो वॉश करने के बाद ही इनको यूज कर में लें। तो थोड़ा ठंडा रख लिया है हमने, ये भी साथ साथ पक जाएंगे। तो हमारी सेवई बन के तैयार हो गई है, अच्छे से मिक्स हो गया है दूध और सेवई। यहीं पे डालेंगे केसर, हमने थोड़ा गर्म पानी डाल के थोड़ा घोल लिया था कलर के लिए। इसको मिक्स कर देंगे। यहाँ पे डालेंगे इलायची, जो हमने पाउडर बना लिया जिसका कूट के। तो सेवई बन के हमारा तैयार है, यहीं पे गैस को बंद करेंगे। एकदम बढ़िया रेसिपी बन के तैयार हुई है, देखिए सभी को पसंद आएगी। बनाइए, खाइए और शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो चलिए वही ना करते हैं सर। Thank you.